नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। भारत ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी आलू है। आलू के पराठे भारत का मेन ब्रेकफास्ट बन चुका है। आलू खाने के फायदे के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू में स्टार्च, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी सफिशियंट क्वांटिटी में पाया जाता है। आलू सेहत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आलू में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की खास बात यह होती है कि ये शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। आलू का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लूकोज अमीनो एसिड में बदलकर बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। इन सब बातों के बाद भी लोग आलू के पराठे खाने को लेकर सवाल करते हैं। नाश्ते में आलू के पराठे खाने से क्या होता है? सुबह का नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। नाश्ते में ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन फाइबर के साथ एनर्जी देने वाला हो। डाइट एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलता है कि नाश्ते में आलू के पराठे खाए जा सकते हैं। रोजाना आलू के पराठे खाने पर डाइट एक्सपर्ट्स भी मना करते हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। आलू खाने के फायदे क्या क्या हैं? आलू में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। आलू में पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आलू में प्रोटीन और ग्लूकोज की भी मात्रा इनफ होती है। ये शरीर को एनर्जी देने के साथ मजबूत बनाने में भी मदद करता है। आलू खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आलू का सेवन फायदेमंद होता है। आलू में पाए जाने वाले एलिमेंट बेहतर नींद देने में मदद करती हैं। बढ़ती उम्र में त्वचा की देखभाल के लिए भी आलू का सेवन फायदेमंद होता है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स त्वचा के कंस्ट्रक्शन एंड टाइटनिंग में मददगार होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आलू इंडिया का एक ऐसा वेजिटेबल है जो हर कोई खाना पसंद करता है, और आजकल जैसे ठंडी का वो चल रहा है, वेदर चल रहा है, तो लोग आलू का पराठे खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं।